वही एरी नंबर टू रहमतुल आलमीन, रहमतुल आलमीन इसका ग्रेवियट है, इसका वही है उसके बाजू ही छह ग्रेवियट करीब का उठो जी प्यारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वक्फ़ को तहरीक मुस्लिम शब्बान का डेलीगेशन आया था और जुम्मतुल विदा को जो दिलखराश वाकया हैदराबाद में हुआ कि मुस्लिम मैयत जो मोहम्मद ख्वाजा की थी, जो गढ़वाल से 5 या 10 साल पहले हैदराबाद माइग्रेट करके आ गए थे, यहीं से गुजरा थे, तो उनकी मैयत जो हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ था। 5 कब्रस्तानों को फिरा गया जिसमें नंबर 1 मस्जिद रहमतुल आलमीन का कब्रस्तान जो उस मस्जिद को समझिए के करीब लगा हुआ है, जो फिलहाल थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, वहाँ रेवेन्यू और समझिए के वक्फ बोर्ड के दरमियान तनाज़ा चल रहा है, वहाँ जगह नहीं दी गई और गुलजा हमारे दरगाह लंगर हाउस के कब्रस्तान में जगह नहीं दी गई, लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के सामने जो कब्रस्तान है वहाँ की कमेटी ने भी उनको इजाज़त नहीं दी और उसके साथ पेरेंचरू का जो कब्रस्तान है वहाँ भी इजाज़त नहीं दी गई और सन सिटी का कब्रस्तान में भी अप्रोच किया गया। ऐसा नहीं कि फ्री ऑफ तकफीन के लिए बात की जा रही थी, वहाँ पैसे देकर तकफीन करने की बात की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी समझिए कि तकफीन का वहाँ पर इजाज़त इन 5 कब्रस्तानों में एक मुस्लिम मैयत को तकफीन की इजाज़त नहीं दी गई। ये कहा गया, बात तो अफसोसनाक बात है कि ये कहा गया कि भाई आप गढ़वाल से आए थे हैदराबाद को, लिहाजा मैयत को गढ़वाल लेकर जाओ, तो ये इंतहाई दिलखराश वाकया है, इंतहाई तकलीफ दह वाकया है और ये शहर हैदराबाद के मुसलमानों, मुस्लिम तंजीमों और खुद वक्फ़ के लिए भी शर्मनाक वाकया। तो उस सिलसिले में बहरहाल आज मैं चेयरमैन साहब से गुफ्तगू किया, अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब ने इस पर क्विक रिस्पांस दिया, ईमानी हरारत के तहत रिस्पांस दिया। उन्होंने वादा किया है कि इन तमाम समझिए के जिम्मेदारों को नोटिस इशू की जाएगी, हमारा मतालबा है कि उनको सस्पेंड किया जाए, तो नोटिस इशू की जाएगी। फिर उसके साथ उन्होंने कहा कि क्रिमिनल केस भी वक्फ बोर्ड फाइल करेगा, तो हम मुंतजर रहेंगे इन इकदाम। और एक बात जो बेहतर आई है, वक्फ बोर्ड फैसला लेगा कि कोई भी कब्रस्तान में किसी भी मकाम के सिटीजन को दफन किया जाए। अब पैसे ले या ना ले उस पर मैं समझिए कि कोई बात नहीं कहूंगा, वो टेक्निकल इशू है, उसको चेयरमैन साहब जाने, मुतवल्ली जाने। लेकिन जहां तक कि एक मतालबा हमारा था कि कोई भी मैयत किसी भी इलाके की, किसी भी रियासत की, अगर वो मैयत कब्रस्तान को, हैदराबाद के कब्रस्तानों को आती है, तो वहां की कमेटी की जिम्मेदारी है कि उसको तकफीन की इजाजत दे। और वक्फ बोर्ड ये रूल्स एंड रेगुलेशन अभी समझिए कि नए रूल्स एंड रेगुलेशन वजा करके वहां पर समझिए तमाम मुतवल्लीस को इससे आगाह किया जाए। तो ये हमारा मतालबा था, लेकिन ये शर्मनाक वाकया तमाम मुसलमानों के लिए है। और मैं समझिए कि जो हमारे हिंदू भाई, एक चंद्रशेखर काउंसलर है उस एरिए का, दूसरा संदीप है जो TRS वर्कर है, उसने जो जिद्दोजहद की है इस मौता की, इस मैयत की तकफीन के लिए, वो काबिल तारीफ है। वो गंगा जमुना तहजीब को शहर हैदराबाद में एक नई जिला देने के बराबर है। और आखिरकार उस संदीप ने फैसला किया कि जब कोई मुसलमान नहीं दे रहे हैं तो शमशान घाट में इसकी तकफीन कर दी जाए, तो शमशान घाट में एक मुसलमान की जुम्मतुल विदा के इंतकाल पर और हार्ट अटैक से समझिए इंतकाल हुआ उनका, शमशान घाट में उनकी तकफीन हुई, जो शर्मनाक है। हमारा दिल इससे दहल गया। बहरहाल वक्फ बोर्ड को हमने मुतल्ला किया है, वक्फ बोर्ड ने एक्शन समझिए लेने की तमानियत दी है, चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम साहब, और हम एक्शन के मुंतजिर हैं। शुक्रिया।